हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अज आपां गल करनी हैगी आ आइलट्स राइटिंग टास्क टू दी। जिद्दां आपां नूं पता है कि आइलट्स राइटिंग दे विच जिहड़े टास्क टू ने आपणे कोल 8 टाइप्स हुंदे ने, ठीक है। तां अज आपां वन टाइप करांगे जिस जो है पॉजिटिव एंड नैगेटिव डेवलपमेंट, ठीक है। तां पॉजिटिव और नैगेटिव डेवलपमेंट दे विच ऐसे दे विच आपां डिस्कस करांगे कि किस तरीके दे नाल तुसीं जिहड़ा ऐसे राइट करना है, ठीक है। एंड वोकैब वेरिएशन किदा ऐड करनी है, एंड मेन गल रीफ्रेज किदा करनी है, बिकॉज रीफ्रेज दे विच काफ़ी स्टूडेंट्स नूं जिहड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पैंदी है। तां अज आपां सारी गल करांगे, ठीक है। एंड पॉजिटिव एंड नैगेटिव डेवलपमेंट दा असीं अज आपां जिहड़ा फुल डिस्कस करांगे कि किस तरीके दे नाल तुसीं जिहड़ा इस नूं राइट करना है, ठीक है। ओके, तां स्टेटमेंट स्टार्ट करदे हैगे आ। अज अपने कोल जो स्टेटमेंट हैगी है, नाउ अडेज एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल विद हेल्थ प्रॉब्लम्स आर यूजिंग अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट rather than visiting their normal doctors. Do you think is a positive or negative development? ठीक है, तां आपां नूं की कह रहे आ, कहिंदे अज कल की हो रहा गा, काफ़ी एक ज़्यादा नंबर दे विच लोग, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम्स दे करके वो अपने आप जाने कि जिहड़े अल्टरनेटिव मेडिसिन जिहड़े लै रहे ने, ठीक है, एंड ट्रीटमेंट, ठीक है, और वो डॉक्टर्स दे कोल नहीं जाते गे, ठीक है, मतलब डॉक्टर्स कोल विजिट नहीं करते गे, ठीक है, अपने आप ही जो ट्रीटमेंट है या मेडिसिन जी यूज़ कर लेंगे, ठीक है, एज पर अपनी नॉलेज। तो अपने को हैगा जे ये आप दसना कि ये पॉजिटिव है जां नैगेटिव, की दसना है पॉजिटिव कि जेडे लोग मतलब डॉक्टर्स के कोल नहीं जाते, ठीक है, अपना ट्रीटमेंट खुद घर कर लेंगे ने, ठीक है, तो वो एक पॉजिटिव है जां फिर नैगेटिव है, ठीक है। जो तो ये ऐसे मिल जाए तो तुम एक चीज़ ध्यान ना देखोगे जो अपने को स्टेटमेंट थोड़ी शो हो रही है जितने अपने को डू यू थिंक दिस इज़ पॉजिटिव और नैगेटिव, तो अपन क्वेश्चन की आ पॉजिटिव और नैगेटिव है, एंड नहीं हैगा, ठीक है। पॉजिटिव और मतलब तुम एक साइड जाना है, जो तुम कहो पॉजिटिव है या फिर नैगेटिव है, यही कि तुम बी पी वन कहा कि पॉजिटिव है और तुम बी पी टू नैगेटिव कहोगे, ये जस्ट उस केस के कहना जो थोड़ा एक साइड के आइडियाज़ बिल्कुल नहीं आ रहे, मतलब तुम एग्जाम से बैठे हो बट थोड़ा आइडियाज़ बिल्कुल नहीं आ रहे एक साइड के, ना तो पॉजिटिव के दो आ रहे ना नैगेटिव के दो आ रहे, ठीक है, फिर तुम हो सकता लिख दो बी पी वन बी पी टू, बट अगर एक्यूरेट वे की गल करिए फिर एक साइड ही जाना सही है, जां पॉजिटिव जां नैगेटिव, ठीक है। तो आप पहला तो इनू डिसाइड करो, तुम्हें ऐसे टाइप मिल जाए तो डिसाइड कर लो तुम्हें की लगता है पॉजिटिव लगता है या नैगेटिव लगता है, ठीक है, आइडियाज़ से, मतलब तुम अपना नहीं देखना कि तुम्हें सही की लगता है, आइडियाज़ देखने हैं किस साइड के आइडियाज़ आ रहे हैं, उस साइड में तुम्हें जो चूज़ कर लेना, उस तो बाद स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड अगर आप रीफ्रेज की गल करिए, रीफ्रेज कभी भी एक एक वर्ड उतार के नीचे नहीं करनी, जिदा मतलब नाउ डेज लिखे, ठीक है, तुम दीस डेज लिख दो, इदा एक एक वर्ड मतलब नीचे नहीं उतारना गा, तुम फुल लाइन जी कि देखनी हैगी कन्वर्ट करना, पैसिव कन्वर्ट कर दो, कंपलैक्स कन्वर्ट कर दो, ठीक है, तो फुल सेंटेंस चेंज करा करो, मतलब मीनिंग समझ के सेंटेंस चेंज करो, एक एक वर्ड ना करो, जो तुम एक वर्ड करते हैं तो एग्जामिनर पहले ही पता लग जाता कि थोड़े को नॉलेज नहीं है, ठीक है, बिकॉज तुम एक एक वर्ड स्टेटमेंट का नीचे उतारे, फुल लाइन का मीनिंग समझ के लाइन नहीं चेंज की, ठीक है। तो अगर तुम फुल लाइन का मीनिंग समझ के अपने आप एक लाइन बनाओगे, ठीक है, तो वह की है ज़्यादा वधिया थोड़ा जरा स्कोर बूस्ट करने हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप जो करते हैं स्टार्ट, तो हूँ आप ये चीज़ देख ली है कि जोड़ा इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल है, ठीक है, वो की है अल्टरनेटिव जोड़े मेडिसन ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, वो नॉर्मल डॉक्टर को नहीं विजिट कर रहे, ठीक है, पॉजिटिव है कि नैगेटिव है, ठीक है, आप डिसाइड कर लिया कि नैगेटिव डेवलपमेंट है, ठीक है। तो एक थोड़ा जिहा कि आप गल कर लेने हैं स्ट्रक्चर की, ठीक है, इंट्रो बी पी वन बी पी टू, ठीक है, ये हों अपने को एक लैबोरेशन करनी होंगी, एग्जाम्पल देना उनके रिजल्ट देना होंगे मेन आइडिया तो बाद, ठीक है, तो बी पी वन एंड बी पी टू का अपना है एग्जाम्पल जी है तुम एक दोगे बी पी वन या बी पी टू के भी चल जाएगा, ठीक है, बट देनी जरूरी है, ठीक है, जहाँ तुम फर्स्ट के दे दो चाहे बी पी सैकेंड दे दो, ठीक है, एक एग्जाम्पल एड कर दो। उस तो बाद अपने को आ गया कंकलूजन, ठीक है, एट द एंड कंकलूजन के कुछ भी एक्सट्रा पॉइंट नहीं ऐड करीदा जो थोड़ा टास्क रिस्पोंस में अफेक्ट करता है, जो तुम एक अलग चीज़ ऐड कर देने जी ना बी पी वन से गल की ना बी पी टू ना ही तुम थीसी लाइन से मैनशन किया कुछ उसके बारे, ठीक है, कंकलूजन ऐड कर दिता और उसको लैबोरेट भी नहीं किया तो वह थोड़ा सारा टास्क रिस्पोंस जरा खराब कर देता है, ठीक है। सो तुम अपना टास्क रिस्पोंस 100% जो मेनटेन करने के लिए कंकलूजन के आइडियाज़ में रीफ्रेस करना जो बी पी वन एंड बी पी टू गल करी है, अगर नहीं करना रीफ्रेस नहीं हो रही तो तुम एज मैनशन इन द एसे लिख के फाइन कर दो, ठीक है, अपने कंक्लूजन।
ठीक है, तो आप स्टार्ट कर दिया रीफ्रेज प्लस सीसी लाइन, जो कि इंट्रो आ मेन पार्ट है अपनी राइटिंग का। ठीक है, अगर इंट्रो सही रहेगी तो थोड़ा जो सारा एसी का जो कि आप टास्क रिस्पॉन्स की गल करिए तो सही रहेगा। ठीक है, अगर तुम वेरिएशन मतलब स्टार्टिंग के ऐड कर रहे हो तो एग्जामिनर को पता लग गया कि थोड़ा वेरिएशन भी आ रही है, थोड़ा वोकैब का भी पता है। ठीक है, तो इस तरीके जो आप स्टार्टिंग करोगे, ठीक है, तो वो थोड़ा ज़्यादा वधिया इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला अपना जो मेन पार्ट है अगर टास्क टू की गल करिए तो इंट्रो आ, इंट्रो की आ अपने को दो पार्ट होंगे ने। ठीक है, रीफ्रेज प्लस थीसी लाइन। ठीक है, तो रीफ्रेज का मतलब ये होंगे कि अपने को स्टेटमेंट तो होंगी है, जो स्टेटमेंट का मीनिंग निकले सेम अपने जो आप लाइनस बनावे, ठीक है, उन्हों का मीनिंग निकलना चाहिए, बस ये चीज़ होंगी है। बट ट्राई करो कि वर्ड्स भी सेम ना हो, ठीक है, ट्राई करो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सेम ना हो। ठीक है, ओके, तब स्टार्ट कर दें। एट प्रेजेंट होंदे टाइम, ठीक है, की हो रहा है, इंस्टेड ऑफ रिसीविंग ट्रेडिशनल मेडिकल केयर फ्रॉम हेल्थ एक्सपर्ट्स, इंस्टेड ऑफ होंगे बजाए के। ठीक है, कहते बजाए अगर ट्रेडिशनल मेडिकल केयर जो हेल्थ एक्सपर्ट्स के होंगे डॉक्टर्स होंगे ने, ठीक है, उन्होंने लिए वर्ड यूज़ करते हैं। तो यह लाइन अपन पिछले मिली सी ना इंट्रो के, जो आप इंट्रो देखी सी तो यह लाइन अपन बाद मिली सी। ठीक है, थोड़ा इंट्रो शो कर दें, देखो तो आप की उन्होंने बाद में अपन दसिया रैदर दैन विजिटिंग दे नॉर्मल डॉक्टर्स से, बट आप स्टार्टिंग ही कहा कि डॉक्टर्स को नहीं जा रहे। ठीक है, इंस्टैड ऑफ रिसीविंग ट्रडिशनल मेडिकल केयर फ्रॉम हेल्थ एक्सपर्ट्स, मतलब मेडिकल केयर नहीं लै रहे वो अपने को ट्रीटमेंट मेडिसिन सारा कुछ आ गया। ठीक है, हेल्थ एक्सपर्ट्स तो नहीं लै रहे, की कर रहे अ ग्रोइंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, कि जोड़े एक व्डे नंबर से इंडिविजुअल जोड़े है वो की कर रहे हैं, अटैम्प्ट कर रहे हैं यूज डिफरेंट वेज ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, तो वो अपने आप जोड़े कि डिफरेंट वेज जो ट्रीटमेंट के है यूज़ कर रहे हैं इंस्टैड ऑफ विजिटिंग द डॉक्टर्स। ठीक है, कि डॉक्टर्स को नहीं जा रहे हैं। तो हूँ अपने को आ गई थीसी लाइन। ठीक है, इस थीसी लाइन के तो आप दसना है कि लाइक पॉजिटिव है कि नैगेटिव हो तो आप दसना अपना व्यू। ठीक है, और उसके पिछले तुम रीजन दसोंगे बीपी वन एंड बीपी टू के। सो आप थीसी लाइन से मैनशन कर देना कि मैंने ये चीज़ लगता है मेरा व्यू पॉइंट यह है कि पॉजिटिव या फिर नैगेटिव। ठीक है, एंड इस रीजन की है बीपी वन एंड बीपी टू के मैंने डिस्कस कर देने हैं। ठीक है, I will discuss the reasons behind why I think it is destructive progress। ठीक है, कि मैंने रीजन जड़े डिस्कस करने हैगे आ इस दे पिछे कि क्यों ये डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव वर्ड की आ नैगेटिव प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, जिनी नैगेटिव डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का हो गया प्रोग्रेस। ठीक है, तो नैगेटिव के लिए की हो गया डिस्ट्रक्टिव, अगर पॉजिटिव हों तो कंस्ट्रक्टिव होना सी। ठीक है, हूँ आप बीपी वन स्टार्ट करते हैं जिस दे विच फर्स्ट रीजन दोगे तुसी कि क्यों नैगेटिव है। ठीक है, मतलब अपने आप अपन ट्रीटमेंट नहीं लेने चाहिए, डॉक्टर्स को जाना चाहिए, आप कहना चाहते हैं। ठीक है, जोड़े लोग नहीं जाते डॉक्टर्स को एक नैगेटिव जी डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ये पिछले रीजन दसना क्यों, वो आप बीपी वन से गल करा। तो पहला तो अपने को जी बेसिक लाइन होंगी है, उस तो बाद अपने को हैगा मेन आइडिया, फिर एलैबोरेशन एग्जाम्पल एंड रिजल्ट। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं टू बिगिन विद। There are several reasons why findings alternative medical treatment by patient has negative impact। ठीक है, कि अगर लोग खुद जोड़े कि मेडिकल ट्रीटमेंट जोड़े फाइंड करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने नैगेटिव इफेक्ट की ने। ठीक है, सैवरल रीजन ये पिछे कि वो जो नैगेटिव आ वो नैगेटिव इफेक्ट देगा लोगों को। ठीक है, वो देखते हैं किड़ा है, ये होगी अपनी बेसिक लाइन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेन आइडिया, ठीक है, इज दैट नो वन कैन पॉसिबली नो अबाउट मोर पिल्स। ठीक है, कि वो नहीं ज़्यादा पिल्स के बारे जानते गए, कि मेन की हैगा कि जोड़े लोग हैगे उन्होंने ज़्यादा नहीं पता होंगे पिल्स बारे, मेडिसन बारे। ठीक है, एज कंपेयर टू हेल्थ एक्सपर्ट्स, एज कंपेयर टू अपने को कंपलैक्स सेंटेंस है। ठीक है, कि लोगों नहीं ज़्यादा पता हैगा कादे बारे, अबाउट पिल्स। ठीक है, एज कंपेयर टू हेल्थ एक्सपर्ट्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स से अगर कंपेरिजन से गल करिए मतलब उन्होंने ज़्यादा नॉलेज होंगी हेल्थ एक्सपर्ट्स न। ठीक है, लोगों नालों उस तो बाद आप एलैबोरेशन करांगे किस तरीके दे नाल है। टू एलैबोरेट इट, डॉक्टर्स नॉलेज इज ग्रेटर। ठीक है, कि जी डॉक्टर की नॉलेज होंगी वो ग्रेटर होंगी या ब्रॉडन होंगी है दैन नॉर्मल पीपल। ठीक है, आम लोगों के नालों डॉक्टर्स की जी नॉलेज आ हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा होंगी है, क्यों होंगी वे पिछले रीजन दसे आप। ठीक है, ड्यू टू देयर डिवोशन टू देयर स्टडी फॉर सैवरल ईयर्स, बिकॉज उन्होंने काफ़ी टाइम स्टडी की एंड उन्होंने को एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो उन्होंने को ज़्यादा नॉलेज होंगी आम लोगों के नालों।
फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देनी है, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड दैट हेल्थ एक्सपर्ट्स हैव सेवरल ईयर एक्सपीरियंस अबाउट मेडिकल ट्रीटमेंट्स एज वेल एज देयर इंपैक्ट ऑन हेल्थ, कि उन्होंने को सैवरल ईयर का एक्सपीरियंस हों डॉक्टर्स के कोल जो एक्सपर्ट्स ने उन्होंने को सैवरल ईयर का अपने को जो एक्सपीरियंस हों, ठीक है, जिदे करके उन्होंने पता हों कि मेडिकल जो ट्रीटमेंट है सही ने और इन्हों इंपैक्ट की ने हेल्थ से, ठीक है, जो कि लोगों को नहीं पता। सो ये जरूरी हो जाता कि आप डॉक्टर्स को विजिट करिए, ठीक है, आप ट्रीटमेंट नहीं करने चाहिए। एज अ रिजल्ट इट इज मैंडेटरी टू टेक ट्रीटमेंट्स फ्रॉम डॉक्टर इन ऑर्डर टू गैट हैल्थी हेल्थ, ठीक है, इन ऑर्डर टू कंपलैक्स इंटेंस है कि एक वधिया हेल्थ लैन दे, ठीक है, मतलब तंदुरुस्त रहने के लिए की है मैंडेटरी हो जाता, जरूरी हो जाता कि आप डॉक्टर्स को विजिट करिए, ठीक है। ये अपना फर्स्ट रीजन हो गया कि क्यों आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रक्टिव है, नैगेटिव है, क्योंकि अपने डॉक्टर्स को ही जाना चाहिए, अपन तो नॉलेज नहीं होंगी इन्नी, ठीक है, तो वो की है बैड इंपैक्ट भी हो सकते अपने, ठीक है, जिगर आप करा। हूँ आप सैकेंड जो रीजन देना वो भी आप इस चीज़ का ही देवे कि क्यों डॉक्टर्स को जाना चाहिए है, अपने आप नहीं ट्रीटमेंट लेने चाहिए, ठीक है। फर्दर मोर शिफ्टिंग टू वर्ड्स अनदर रीजन बिहाइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीटमेंट्स फ्रॉम हेल्थ फिजिशियंस, ठीक है, हेल्थ फिजिशियंस, हेल्थ एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, सारे डॉक्टर्स के लिए जो कि तुम वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। कह रहे हैं कि आप जो सैकेंड रीजन बेसिक लाइन से आप क्लीयर किया कि हूँ शिफ्ट कर जा रहे हैं सैकेंड रीजन जोड़ा कि इंपोर्टेंस दसदा कि हेल्थ फिजिशियंस तो ही क्यों ट्रीटमेंट लेने चाहिए ने, ठीक है, आप बेसिक लाइन से क्लीयर कर दिता। उस तो बाद देखते हैं इन सम केसिस, कुछ केस कहते इदा होंगे आ इट बिकम नसैसरी टू टेक मैडिसन एज पर द डॉक्टर सुजैशन सच एज कैंसर, ठीक है, कहते कुछ केस इदा के होंगे आ कि अपन डॉक्टर के सुजैशन के नाल ही जड़िया अपन मैडिसन लेनिया चाहिए ने, ठीक है, क्यों किदा के केस हो सकते हैं कैंसर लाइक, ठीक है, तो एक आप जरा कि एग्जाम्पल दे दी हैगी उस तो बाद लैबोरेशन दसेंगे कि क्यों लेने चाहिए ने, ठीक है। टू एक्सप्लेन जिहड़ी आप टास्क स्टेटमेंट दी आदि पिछे रीजन की है क्यों आ जा किवें वर्क करता वो लैबोरेशन आएगा, उस तो बाद उस आइडिया प्रूव करना वो अपने को एग्जाम्पल आ गई, ठीक है, एट द एंड रिजल्ट करना बेसिक लाइन जो तुम की क्लीयर करना है कि मैं लिखन की जाना इस बीपी दे विच, ठीक है, तो लैबोरेशन दसिया सम एक्सट्रीम सिचुएशन ऑफ हेल्थ नॉट ओनली रिक्वायर प्रॉपर ट्रीटमेंट बट ऑलसो डिमांड फॉर एक्यूरेट इंस्ट्रक्शनस, कहते कुछ इदा के जोड़े केस होंगे ने, ठीक है, जिन्हों के जिदा हूँ लाइक कैंसर आप एग्जाम्पल दी ऑलरेडी, ठीक है, कि कहें ये कुछ इदा के केस होंगे ने जिद की आ एक कली ट्रीटमेंट ही नहीं रिक्वायर करते कि आप घर ट्रीटमेंट ले लीए, इंस्ट्रक्शन भी जरूरी ने डॉक्टर्स दया, मतलब कि ये चीज़ करनी चाहिए अपने ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है, वो सारी इंस्ट्रक्शन भी जरूरी है, कहते फिर ही आप जो कि वधिया वैल हो सकते हैं, तो इसलिए कि डॉक्टर्स तो ट्रीटमेंट जरूरी है तो जो अपन कि प्रॉपर जो ट्रीटमेंट उत्तर मिले ही मिले नाल नाल की जी इंस्ट्रक्शन भी मिलना आप, ठीक है। उस तो बाद एग्जाम्पल देनी है फॉर इंस्टांस इफ पीपल विल टेक अननेसेसरी मेडिसन, अगर उन्होंने वो मेडिसन लै रहे हैं मतलब डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शन तो फॉलो नहीं कर रहे बिकॉज अपने आप कर रहे हैं, ठीक है, अपना कंडीशन ला के सेंटेंस दस कंडीशनल सेंटेंस ने अपने को, ठीक है, तो अगर आप कंडीशन ला के दस रहे हैं कि अगर लोग अननेसेसरी जिहड़ियां नहीं चाहिए वो भी मेडिसन लै रहे हैं तो ये उन्होंने डेंजरस हो सकती है, ठीक है, तो इन्हों का रिजल्ट की उन्होंने हेल्थ से जोड़ा सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक या आप अगे रीजन दिता है बिकॉज इट ब्रिंग अ लॉट ऑफ एडवर्स इफेक्ट फॉर दैम, ठीक है, कि एडवर्स इफेक्ट होंगे नैगेटिव इफेक्ट्स, ठीक है, तो नैगेटिव इफेक्ट्स जो उन्होंने दे सकते हैं, ठीक है, उस तो बाद रिजल्ट की निकलता अपने को, हैंस टेकिंग हेल्थ सुजैशनस एंड ट्रीटमेंट फ्रॉम एक्सपर्ट इज बेनीफिशियल फॉर पीपल, तो रिजल्ट की निकलता हेल्थ जे अपने सुजैशन लैने एंड ट्रीटमेंट लैना एक्सपर्ट्स तो बेनीफिशियल है लोगों के लिए, ठीक है, आप गया सी नैगेटिव है क्योंकि सानू लगता कि डॉक्टर स्कूल ही जाना चाहिए है, ठीक है, जो अपने आप अल्टरनेटिव जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हो सही नहीं है डॉक्टर स्कूल जाना चाहिए, दो रीज़न दसते क्यों डॉक्टर को जाना चाहिए है, ठीक है, तुम ये भी रीज़न इदा भी रीज़न दस सकते कि क्यों डॉक्टर को जाना चाहिए है, ठीक है, तो ये भी दस सकते कि क्यों जो अल्टरनेटिव नहीं यूज़ करने चाहिए, ठीक है, दोनों सही जाएंगे अपने मतलब 100% टास्क रिस्पॉन्स आएगा। उस तो अगे अपने को हैगा टू कंक्लूडिड कंकलूजन देने लगे हैं, ठीक है, हूँ की करना कंकलूजन के जो आइडियाज डिस्कस किए ने उन्होंने करोगे जो फिर एज मैंशन इन दैसे कट के छड़ दोगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई परसपैक्टिव परसपैक्टिव हूँ ओपीनियन, ठीक है, तो तुम ये वर्ड जो नोट कर लो जिदा डॉक्टर्स के लिए है, ठीक है, एंड पॉजिटिव के लिए कंस्ट्रक्टिव यूज़ करना नैगेटिव के लिए डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए प्रोग्रेस
ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੇ ਵਰਡਸ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਈ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਕਟਿਵ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਲਦੋ ਨਾਓ ਡੇਜ਼ ਪੀਪਲ ਗਿਵ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਆਲਦੋ ਯੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਲਦੋ ਨਾਓ ਡੇਜ਼ ਪੀਪਲ ਗਿਵ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨਸ ਵਿਦਆਊਟ ਡਾਕਟਰਸ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਯੈਟ ਦਿਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਰਿਪਲੇਸਡ ਬਾਈ ਟੇਕਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਹੈਲਥ ਫਿਜੀਸ਼ੀਅਨਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਐਜ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਐਸੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਜੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ, ਕੁਛ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ BP1 ਐਂਡ BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਸ 'ਤੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ।